टिड्डी एक उड़ने वाला अंतर्राष्ट्रीय कीट है जो रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। टिड्डियों में भी 10 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। टिड्डी के बड़े समूह को टिड्डी दल की संज्ञा दी गई है। रेगिस्तानी क्षेत्र की नमी युक्त मिट्टी इनके प्रजनन के लिए उपयुक्त होती है। टिड्डियों का झुंड मुख्यतः दिन के समय उड़ता है और शाम को आराम करने के लिए रुकता है। टिड्डी दल शाम के समय फसलों को अपने भोजन का के लिए शिकार बनाता है। टिड्डी मुख्यतः बड़े पेड़ों जैसे कीकर आदि पर रात के समय रुकती हैं। कीट विशेषज्ञों के अनुसार 10,000 प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा संख्या में टिड्डियों का झुंड देखे जाने पर किसानों को उपाय करने की आवश्यकता है। हरियाणा में अभी तक टिड्डी दल का प्रभाव नहीं देखा गया, लेकिन किसानों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। टिड्डी एक बहुभक्षी कीट है जो सभी प्रकार की वनस्पतियों को अपना भोजन बनाता है। वहीं अर्थ प्रकाश संवाददाता नवीन दलाल ने इसी मसले को गंभीरता से लेते हुए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जाखड़ से बातचीत की। चलिए दिखाते हैं इस मसले पर क्या बोले कीट विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जाखड़। हमारे यहाँ जैसे भारत देश में वैसे तो ये जो टिड्डियाँ होती हैं जो समूह में रहती हैं, इनके समूह को हम टिड्डी दल बोलते हैं। 10 तरह की टिड्डियाँ होती हैं, बट हमारे भारत में 4 तरह की टिड्डियाँ पाई जाती हैं। अभी जिस टिड्डी की समस्या की बात हो रही है, इसको रेगिस्तानी टिड्डी कहा जा रहा है। और ये जो टिड्डियाँ हैं ये समूह में रहती हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेजर्ट एरिया है, जैसे राजस्थान में कुछ एरिया है, गुजरात का भुज है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है वो रेगिस्तानी एरिया है, वहाँ पे ये अंडे देती हैं। और कुछ ये अंडे देती हैं पाकिस्तान, तो वहाँ जैसे अंडे देती हैं, अंडे देने के बाद इनके जो निम्फ निकलते हैं वो तो उड़ नहीं पाते, बट जैसे जैसे इनमें पंख निकल आते हैं तो ये फिर समूह में रहती हैं और फिर ये उड़ने लायक हो जाती हैं। धीरे धीरे फिर ये उड़ना शुरू करती हैं, तो रास्ते में इनकी जो भी वेजिटेशन आती है उनको ये खाना शुरू कर देती हैं। और ये जो टिड्डियाँ हैं ये एक कीट है, बहुभक्षी कीट है, जिनको पॉलीफेगस कीट कहते हैं। कोई भी वेजिटेशन होती है उसको खा लेती है। और ज़्यादातर ये दिन के समय उड़ती है और शाम होते होते ये कहीं ना कहीं अपना डेरा डाल लेती है, और रात के समय ये मोस्टली अटैक करती है। तो अभी जैसे ये समस्या है, अभी राजस्थान में पिछले कई महीनों से इनके नियंत्रण के लिए काफ़ी कार्य चला हुआ है और मोस्टली इनको नियंत्रित भी कर लिया गया है। पाकिस्तान में भी इनके नियंत्रण पर कार्य चला हुआ था, जैसे अभी पिछली बार न्यूज़ में था, पिछले 2-3 दिनों पहले आप देखोगे तो पाकिस्तान ने इसको नेशनल इमरजेंसी भी घोषित किया है। हमारे यहाँ अगर हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में अभी तक इसकी कोई ऐसी समस्या है नहीं, बट पिछले 3-4 दिन पहले 4 तारीख को हम रूपनगर फजिलका में गए थे, वहाँ पर टिड्डी का एक दल आया हुआ था जिसको उन्होंने वहीं पर कंट्रोल कर लिया था। तो अभी अपने हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति है नहीं, बट हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हम उससे निपट सकें। सर, ये जो टिड्डियों की प्रजाति है ये अपने देश में ही है या फिर कहीं बाहर के देश से यहाँ आकर प्रजनन करके संख्या बढ़ जाती है इनकी? नहीं, अपने देश में भी है, और जैसे हमारा जो बॉर्डर का एरिया है, पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है उसमें जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर ये ब्रीडिंग करती है, और जैसे वहाँ पर वेजिटेशन को इसने फिनिश कर दिया खा के, उसके बाद ये इधर उधर माइग्रेट करती है। सर, अभी किन किन डिस्ट्रिक्ट में अलर्ट घोषित किया गया इनको लेकर? अभी जैसे हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एरिया राजस्थान से लगता है उन डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपका सिरसा है, फतेहाबाद है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, तो वहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहने को कहा गया है। तो प्रशासन की ओर से किस तरह, जैसे कृषि विभाग की ओर से क्या प्रबंध किए गए? कृषि विभाग भी अपने स्तर पर प्रबंध कर रहा है। यूनिवर्सिटी में जो है, अभी जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी केवी केस हैं, जितने भी हम प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट हैं, सबको थोड़ा अवेयर करने के लिए सर्वे के लिए डायरेक्ट किया गया है। सर, किस तरह की फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं या कोई पर्टिकुलर फसल जो ये छोड़ देते हैं? अभी जैसे पिछली जो फीडबैक रहा है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे तारामीरा है, सरसों है, चने में इसका काफ़ी नुकसान देखा गया है, जैसे राजस्थान से जो फीडबैक आया है। सरसों और तारामीरा के उपाय है किस प्रकार से किसान बचाव करें अगर खेतों में आते हैं?
देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इसकी संख्या, अगर इसकी संख्या 1 हेक्टेयर में 10,000 से ज़्यादा लगती है, या किसी झाड़ी में 5 से 6 से ज़्यादा बैठी हुई है टिड्डियाँ, या 1 स्क्वायर मीटर में एक टिड्डी आपको मिलती है, तब आपको इसके नियंत्रण के बारे में सोचना है। उससे पहले है कि जैसे शाम के समय ये उड़ के आती है, तो शाम के समय ये कहीं ना कहीं बैठती है, तो उस समय थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि वो जो टिड्डियों का झुंड है उसको अपने खेत में या अपने इधर उधर वेजिटेशन पर ना बैठने दिया जाए। उसके लिए जैसे ढोल बजा सकते हैं, नगाड़े बजा सकते हैं, या किसी भी तरह शोर मचा के उनको वहाँ बैठने से रोका जा सकता है। सर, आपका नाम डॉक्टर अनिल है, मैं कीट वैज्ञानिक हूँ, कीट विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।